हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ आपका अपना आशु। और आज संडे का दिन, और संडे के दिन में आज मैं पूरी फैमिली के साथ जा रहा हूँ बाहर, जो संत सिंगा जी महाराज का एक मंदिर है, जो कि चारों तरफ पानी के बीच में मंदिर मौजूद है और बहुत फेमस मंदिर है वो भी। और जाने से पहले सबसे पहले एक काम जो होता है, हमारी बाइक के आकार को जो भी है फ्यूल की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले हम गैस स्टेशन आकर यहाँ पर फ्यूल डलवाएंगे, क्योंकि उसके बिना हम कहीं जा नहीं सकते। और ये है खिड़किया के पहले एक टोल टैक्स पड़ता है हरदा और खिड़किया के बीच में, जो कि काफ़ी समय पहले से बंद हो चुका है। और इसके बंद होने के चक्कर में पूरी जो रोड है उसमें गड्ढे ही गड्ढे हो चुके हैं, रोड पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है अभी के समय में, क्योंकि टोल टैक्स बंद हो गया है। अगर ये टोल टैक्स चालू होता तो यहाँ से कुछ ना कुछ सड़क की मरम्मत चल रही होती। तो आइए और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, मैं आज आपको सिंगा जी महाराज के दर्शन करवाता हूँ, जो कि हरदा से लगभग 100+ किलोमीटर पर है, लगभग 120 या 130 किलोमीटर है, और खंडवा से लगभग 40-50 किलोमीटर ही पड़ता होगा। ये यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग भी आती है हरदा से, अगर जाते हो आप तो मांडला के पहले, जो यहाँ के आसपास के लोगों को, अगर कोई यहाँ आसपास का कोई अगर देख रहा हो तो सभी को पता होगा कि ये मांडला के पहले जो रेलवे क्रॉसिंग है। देखो नमक जीवान में कुछ ऐसी लोकेशन भी आती है जो बहुत ही प्यारी है। यहाँ पर वैसे डैम का पानी भरा हुआ होता है, लेकिन इस बार ये पूरा खाली है। यहाँ का पानी पता नहीं किस कारण से यहाँ पर पानी नहीं है, और जब पानी भरा होता है दूर दूर तक, उस टाइम का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। और ये हम सीधे पहुंच चुके हैं अब मंदिर के एंट्रेंस पे, जहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मंदिर में जाने का एक ही रास्ता है, और जो पतला सा जिसमें एक ही गाड़ी जा सकती है। और ये लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा पुल है, और यहाँ पे इसके चारों तरफ पानी पानी है। इस बार यहाँ पे पानी बहुत कम है, नहीं तो यहाँ भी बहुत पानी भरा होता है एंट्रेंस तक, यहाँ तक पानी भरा हुआ होता है, लेकिन इस बार सूखा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे एक टाइम में एक साइड से एक ही गाड़ी जा सकती है, दो कार अलग से आपस में क्रॉस नहीं हो सकती। तो ये दोस्तों मंदिर हम पहुँच चुके हैं, आपको सामने दिख ही रहा होगा, और अभी कुछ ही देर में मैं आपको मंदिर के अंदर लेकर चलता हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कुआं है, जिसके अंदर पूरे ही साल जोत जल रही होती है, बट वो दिखाई नहीं देती है। बहुत गहरा कुआं है, और ऊपर मंदिर बना हुआ है नॉर्मली। ये मंदिर के सामने एक चोटी बनी हुई है, और ये है सिंगा जी महाराज का मंदिर। और यहाँ आपको नीचे जो दिख रहा होगा कुआं, यहाँ पे बहुत ही गहरा कुआं है अंदर, यहाँ पे दोनों साइड से जाने का रास्ता है।
महाराज का मंदिर, और ये दिख रहा है आपको कुआं। यहाँ से जो गेट दिख रहा है, एक गेट उधर से एक इधर से, दोनों साइड से इधर गेट है। और ये कुआं कितना गहरा है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत गहरा है। और इसके अंदर पूरे साल जोत जल रही होती है। ये पीछे मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है। यहाँ पे कुछ काम भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का अभी बहुत कुछ बनना बाकी भी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।